जाने दुनिया के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैरान कर देने वाली कहानियाँ, वो भी हिंदी में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो लोग प्रेत आत्माओं और रहस्यमय चीज़ों पर विश्वास करते हैं। आज के एपिसोड में बताई गई सभी बातें सच्ची हैं, जो कि इंटरनेट न्यूज आर्टिकल से रिसर्च करके प्राप्त की गई हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। आज का हमारा ये एपिसोड एक बेहद मिस्टीरियस और रहस्यमय विषय पर आधारित है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी की और उससे जुड़े कुछ चौंका देने वाले रहस्यों की और ब्लडी मैरी का शिकार हुए कुछ लोगों की। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे कौन से रहस्य हैं जो ब्लडी मैरी को इतना विचित्र और मिस्टीरियस बनाए हुए हैं। कहा जाता है कि ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की महारानी मैरी ट्यूटर थी। एक समय सच में मैरी ट्यूटर नाम की एक लड़की थी, जिसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी दे दिया गया। कहा जाता है जब मैरी ट्यूटर की मौत हुई, उसके कुछ दिन बाद मैरी की आत्मा आसपास के लोगों को दिखने लगी। पहली घटना तब घटी जब इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने कहा कि जब वह रात के 2:30 बजे कमरे से होकर जा रहा था, तो उसे शीशे से एक परछाई सी दिखी। तो उसने नज़दीक जाके देखा तो वह और कोई नहीं, मैरी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लिया। उसके बाद उस साये ने शीशे से निकलकर उसका चेहरा नोच लिया। इस तरह कई लोगों ने उसका नाम पुकार कर अपनी जान खोई है। ऐसी ही एक घटना लंदन में घटित हुई एनी गार्नियर के साथ। एक रात जब एमी और उसके दोस्त उसके घर पर पार्टी कर रहे थे, तो उसके माता पिता उस वक्त घर पर नहीं थे। एमी और उनके दोस्त बातें करते करते ब्लडी मैरी की कहानी तक पहुंच चुके थे। एमी के एक दोस्त ने ब्लडी मैरी की पूरी कहानी सुनाई। तब इन सभी दोस्तों ने ब्लडी मैरी का खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कुछ ही देर में इनके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसको इनकी कल्पना भी नहीं है। एमी और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो एक एक करके बाथरूम में जाएंगे, मोमबत्ती की रोशनी में शीशे के आगे खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम पुकारेंगे। बाहर आकर अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सभी दोस्त एक एक करके बाथरूम में जाकर नाम पुकारने लगे और फिर एमी की बारी आई। एमी के दोस्त दरवाजे के बाहर से एमी को सुन रहे थे। एमी ने भी खेल के सभी नियमों को ध्यान में रखकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। फिर अचानक बाथरूम से एक खौफनाक चीख की आवाज़ सुनाई दी। बाथरूम की लाइट एक पल के लिए जली और फिर बुझ गई और अचानक से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बाहर खड़े दोस्तों ने एमी को आवाज़ लगाना शुरू किया, लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। ये देखकर सभी दोस्त काफ़ी डर गए और उन्होंने एमी के माता पिता को फोन कर पूरी घटना के बारे में बताया। एमी के माता पिता तुरंत घर वापस आए। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सभी हैरत में पड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। एमी का कोई भी नामो निशान नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, उस बाथरूम में कोई भी खिड़की या कोई भी दूसरा दरवाज़ा नहीं था। तो आखिर एमी गई तो गई कहाँ? ब्लडी मैरी उसे अपने साथ शीशे में हमेशा के लिए ले गई, या किसी और पैरानॉर्मल घटना का वो शिकार हो गई? यह सवाल आज भी एक रहस्य बनकर लंदन पुलिस के सामने खड़ा है और एमी की तलाश आज भी जारी है। हजारों लोगों का मानना है कि ब्लडी मैरी के नाम लेने की वजह से उनके साथ कुछ ना कुछ घटना अवश्य घटी है। बहुत से लोग इसे कोरी कल्पना मानते हैं, लेकिन आज भी इंग्लैंड में घटनाओं का सिलसिला नहीं थमा है। आज भी लोग ब्लडी मैरी का खेल खेलते हैं।
और अपने अनुभवों को इंटरनेट पर शेयर करते रहते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल की अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।